नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। 13 मई को खत्म होगा कर्नाटक का सियासी नाटक। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जितने भी प्रयोग भाजपा और कांग्रेस द्वारा किए गए वो किसी नाटक से कम नहीं है। और गांधी जी के 3 बंदरों की तरह दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग नाम के संवैधानिक संस्था ने जितने तीर कर्नाटक में चलाए वो भी किसी नाटक से कम नहीं। सांप के जहर से लेकर बजरंगबली तक को कर्नाटक के नाटक का पात्र बना दिया गया। कर्नाटक चुनाव की रैलियों ने आज़ादी के बाद पीएम मोदी को देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जो विकास और विजन की बात करने के बजाय गालियों की गिनती, बजरंग बली को जेल जैसे शब्दों के सहारे अपने बचे कुचे मैजिक को जैसे तैसे बटोरे रखने को आतुर हूँ, जैसे कर्नाटक की दीवारों पर क्राई पीएम जैसे पोस्टर के तौर पर चस्पा कर दिया गया, जिसके चलते 40% कमीशन वाले आरोपों से घिरी बीजेपी के मुंबई सरकार के दाग तले तमाम दांव पेच की आजमाइश की इडली पकती नहीं दिखती। अब इसे महज संयोग कहें या कुछ और कि जब कर्नाटक चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पीएफआई बजरंग दल समेत किसी भी सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठन पर प्रतिबंध और ठीक इसी तरह बीजेपी के घोषणा पत्र में भी पीएफआई जैसे जिहादी संगठन पर प्रतिबंध की घोषणा की जा रही थी, ठीक इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर 91 बार दी गई गालियों का पन्ना झट से पलटा और श्री राम बजरंगबली की शरण में जाना ज़्यादा मुफीद समझा, जिसकी एक वजह शायद ये रही कि उनके द्वारा गालियों की गिनती बार बार बताने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर कर्नाटक के कई इलाकों में पीएम का मजाक तब तक होना शुरू हो चुका था। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली की एंट्री उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने पिछले हफ्ते घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कांग्रेस ने कहा था कि राज्य में सरकार में आते ही वह बजरंग दल पीएफआई समेत जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र हैं, कोई व्यक्ति या बजरंग दल पीएफआई और नफरत शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यक के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। बस भाजपा के एकमात्र पेटेंट भगवान घराने के श्री राम फिर याद आए और मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में शब्दों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि मानो प्रतिबंध बजरंग दल पर नहीं स्वयं बजरंग बली पर लगाने की बात कही गई हो, जिसका रजिस्ट्रेशन स्वयं बजरंग बली ने कराया हो। फिर श्री राम कैसे बचते, उन्हें भी लपेटे में लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर श्री राम को अयोध्या में बंद करने का एक और बाउंसर फेंक दिया। मोदी जी से चूक यहीं पर हो गई। हार की पूर्ण आशंका से डरे सहमे या अति उत्साह में पीएम मोदी ये भूल गए कि जनता अब उतना ही बेवकूफ बनती है जितना वो अफोर्ड कर पाती है। मोदी कर्नाटक की चुनावी रैली नाटक में इतने हल्केपन के साथ सांप गाली लिस्ट और बजरंग बली का जिक्र बार बार क्यों कर रहे थे? दरअसल पीएम मोदी अब बखूबी समझ चुके हैं कि उनके 9 साल के जादू की लालटेन का शीशा अब काले धुएं से भर चुका है और तेल में भी अब उतनी ताकत नहीं बची है जो 2019 या उससे पहले हुआ करती थी। ठीक इसी तरह इस वक्त देश के ही सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, जिसका परिणाम भी 13 मई को ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ आना है। अब एक मज़ेदार बात यह है कि भाजपा इन दिनों इंजन के सहारे देश भर में वोट मांगती घूम रही है, कहीं डबल इंजन की सरकार तो कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी तक आमतौर पर हमने किसी पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर ले जाने के लिए डबल इंजन ट्रेन देखी है। उत्तर भारत से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में इटारसी से डबल इंजन ट्रेन लगाई जाती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए ट्रिपल इंजन डबल इंजन की सरकार समझ से परे लगती है। इस तरह से देखा जाए तो लोकसभा से लेकर सबसे निचले स्तर के पंचायत चुनाव तक मिला लें तो भाजपा को कई इंजनों की सरकार की दरकार होगी। फिर आखिर जनता डिब्बे का क्या होगा, या पीएम मोदी की जुमला टीम सोच ही नहीं पा रही? वैसे भी इन दिनों मणिपुर, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश जैसे डबल इंजन वाली सरकारों का हाल पूरा देश
और कोर्ट कचहरी देख ही रहे हैं। बहरहाल बात कर्नाटक चुनाव और उससे जुड़े मुद्दे की करें तो बजरंग दल पर प्रतिबंध वाली बात पर कांग्रेस ने इसके जवाब में साल 2014 में गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के श्रीराम सेना संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तुलना करके दिया है। कांग्रेस ने तर्क दिया है कि क्या जब गोवा में श्रीराम सेना पर प्रतिबंध लगाया गया था तब प्रधानमंत्री ने इसे भगवान राम का अपमान कहा था। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका चुनाव पर कोई खास असर नहीं होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान शुरू करने से बहुत पहले ही बीजेपी राज्य में ध्रुवीकरण के अपने अभियान को छोड़ चुकी थी। पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को राज्य में इसलिए छोड़ा क्योंकि पार्टी को एहसास हो चुका था कि इससे बहुत फायदा नहीं होने जा रहा। लोगों के सामने रोजी रोटी और महंगाई का सवाल था, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा सरकार विरोधी लहर का सामना भी बीजेपी कर रही है। अब जिस भी विश्वविद्यालय ने पीएम मोदी को एंटायर सोशल साइंस की डिग्री दी हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक प्रोफेसर को भेजे और अपने स्टूडेंट पीएम मोदी को बताए कि प्रभु बजरंगबली और बजरंग दल में क्या अंतर है। पीएम मोदी अकेले इस वक्त श्रीराम की शरण में नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी निगम चुनाव में किसी उलटफेर की आशंका से थोड़ा चिंतित हैं। तभी उन्हें अयोध्या में कहना पड़ा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों यानी समाजवादी पार्टी को अगर अयोध्या की जनता ने ज़्यादा वोट दिया तो देश विदेश में गलत संदेश जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि भाजपा की डूबती उतराती चुनावी नैया अब राम के सहारे है, वो चाहे कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश। हाल ही में एनडीटीवी चैनल के लिए किए गए चुनावी सर्वे से संकेत मिले हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को 61% सरकार विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 57% लोग बीजेपी की सरकार की वापसी नहीं चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा नेता सिद्धारमैया हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई को 22% लोग वापस चाहते हैं जबकि जेडीएस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को 15% लोग पसंद करते हैं। येदियुरप्पा इस बार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। राज्य के 5% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने जबकि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार 4% लोगों की पसंद है। रही सही कसर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी कर रखी है, जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद मणिपुर दंगा, बिल्किस बानो केस, फिल्म केरल स्टोरी जैसे मामलों पर सुनवाई जारी है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कर्नाटक में भाजपा सरकार वापसी नहीं कर पाई तो अगले कुछ महीनों में होने वाले 3 अन्य राज्यों के चुनाव पर इसका असर क्या होगा, वो भी तब जब अगले साल देश का आम चुनाव है और बहुमत के आंकड़े में पहले से ही यूपी में बृजभूषण शरण सिंह प्रकरण, मणिपुर में आरएसएस और राम माधव के कर्मों की आग और महाराष्ट्र में लटकती सुप्रीम कोर्ट की तलवार हो। दूसरी बात, कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने जिन 3 मुफ्त गैस सिलेंडरों को साल में 3 त्योहारों पर देने की बात कही है उसका हश्र देश की जनता साल में 2 बार फ्री सिलेंडर वाले जुमले से जान चुकी है कि बाद में खाली सिलेंडर बैठने के ही काम आता है। बहरहाल अब कर्नाटक की डबल इंजन और यूपी की ट्रिपल इंजन की सरकारों का फैसला 13 मई को आ ही जाएगा कि किसका राम नाम सत्य हुआ और किसको सत्ता का सिंहासन मिला। धन्यवाद।